स्वागत है। जनरली मूली तो हर कोई खाता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि मूली के पत्तों को काटकर फेंक दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूली के पत्तों की सब्जी। सर्दी के दिनों में अक्सर मूली लोगों के घरों में आती है, तो फ्रेंड्स आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और मूंग दाल और रोटी के साथ तो ये और भी अच्छी लगती है। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, इसलिए एक बार ट्राई करना तो बनता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख इस बात की, शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मूली के पत्तों को मूली से अलग कर दिया है और उन्हें अच्छे से वॉश करके किचन टॉवल पर सूखने के लिए रख दिया है। मैंने ये 1 किलो मूली के पत्ते लिए हैं। आप इनको बारीक बारीक काट लें। काटने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इसकी ये वाली मोटी वाली स्टेम नहीं चाहिए, हमें इसके सिर्फ पत्ते पत्ते चाहिए। आप ऊपर से छोटी सी इतनी स्टेम इसकी ले सकते हैं और इसे बारीक बारीक चॉप कर लें। हमें इसके लिए पूरी 1 किलो मूली नहीं चाहिए होगी, आप इन पत्तों के लिए 2 मूली बारीक बारीक काट लें। हम इस प्रकार सिर्फ पत्ते पत्ते ले लेंगे। हमें इतनी छोटी सी पतली सी स्टेम अगर हो तो आप ले सकते हैं, बाकी ये वाली बड़ी बड़ी स्टेम सारी उसकी निकाल दें। इससे सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता और ना ही ये अच्छे से गलती हैं। तो हमें इसके सिर्फ पत्तों पत्तों को ही लेना है। अब हम इन पत्तों को काट लेते हैं। मैंने मूली के पत्तों को बारीक बारीक काट लिया है। अब हम 2 मूली ली हैं, उन्हें भी बारीक बारीक काट लेते हैं। आप चाहें तो इसे चॉपिंग बोर्ड पर रखकर बारीक बारीक काट लें, या फिर किसी चॉपर में डालकर भी आप इसे चॉप कर सकती हैं। हमें इसके बहुत बड़े पीसेस नहीं चाहिए, तो चाहें तो आप इसे इस प्रकार हाफ करके इस प्रकार आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चॉपर में डालकर भी इसे बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसके टुकड़े कर दें। मैं इसे चॉपर में ही चॉप कर रही हूं। इस प्रकार आप इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं और एक बाउल में निकाल लें। हमने अपनी दोनों मूलियों को चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। अब हम इसके सब्जी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले एक पैन लें और उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डाल दें। ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल के गर्म होने पर उसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन का डाल दें, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दें, 1/2 छोटा चम्मच हींग का डाल दें, 1/4 टीस्पून इसमें मेथी दाना डाल दें और इन्हें थोड़ा क्रैक होने दें। जैसे ही हमारा जीरा और मेथी दाना थोड़ा हल्का सा भुन जाए, तब आप इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक का डाल दें। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन इसमें थोड़ा ज्यादा डलता है, इसलिए आप लहसुन को चॉप करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। इसे अच्छे से भून लें।
ये मैंने एक हरी मिर्च ली है जिसे काट के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मूली की सब्जी बनाते हुए हमें अदरक लहसुन की ही जरूरत है, इसमें प्याज नहीं डलता। हाँ, अगर आपको लगता है कि प्याज के बिना आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी तो आप इसमें प्याज डाल सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली मूली की सब्जी में प्याज नहीं डलता है। जब आपको लगे कि आपका अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये मैंने एक बड़ा टमाटर जिसे चॉप किया है वो डाल दें। हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए उसके लिए आप नमक साथ के साथ ही डाल सकते हैं। इसके लिए एक छोटा चम्मच नमक डाल दें या नमक स्वाद अनुसार डाल लें। और इसे अच्छे से भून लें ताकि हमारा टमाटर गल जाए। टमाटर के भून जाने पर आप इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिला दें, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला दें, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर मिला दें और इन्हें अच्छे से मसालों को अच्छे से भून लें। अब आप इसमें अपनी मूली मिला दें। मूली पहले मिलाएंगे, पत्ते हम बाद में मिलाएंगे ताकि पहले हमारी मूली गल जाए। पत्ते तो एक भाप में ही गल जाते हैं, इसलिए आप पहले मूली को मसाले में अच्छे से मिक्स कर दें। हमारी मूली मसालों में अच्छे से कोट हो गई है, अब हम इसे पकाएंगे। इसके लिए आप इसमें एक बड़ा चम्मच पानी डाल दें और इसे ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए पकने दें। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी मूली गली है या नहीं। उसके लिए आप कोई एक बड़ा सा पीस ले लें और उसे प्रेस करके देख लें। ये गल गया है, मूली हमारी जल्दी ही गल जाती है। अब हम इसमें अपने मूली के पत्ते मिलाएंगे। आप इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें। इसे ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट तक सिम आंच पर पकने दें। आप इसे ढक्कन उठाकर बीच बीच में थोड़ा चलाते रहें। हमारे 8 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम इसे खोलकर देखते हैं। हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। अब हम अपना गैस बंद करते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब आप इसे एक बाउल में निकाल लें। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मूली के पत्तों से भी कितनी स्वादिष्ट सब्जी बन सकती है। और आपको एक बात और बता दूं, मूली के पत्तों में आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और फोलिक एसिड भी बहुत होता है। तो फ्रेंड्स, ये खाना बहुत ही अच्छा है, और अगर आप ये सब्जी एक बार बनाएंगे तो आप इसे हर बार बनाना चाहेंगे। कभी भी मूली के पत्तों को फेंकेंगे नहीं। तो इस बार जब आप मूली लेकर आए तो उनके पत्तों को फेंके नहीं। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।